के हर खिलाड़ियों को अच्छा जीवन संवर्धन हो, उन्हें सरकार की ओर से सभी सुविधाएं दी जाएगी, ऐसी जानकारी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ नागपुर की प्रेस वार्तालाप में राज्य के क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार इन्होंने दी। इस मौके पर प्रशासन अधिकारी और स्पोर्ट्स पत्रकार बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस मौके पर क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार इन्होंने हमारे संवाददाता संजय मिरे इनसे खुलकर बातचीत की। आइए देखते हैं। क्रीड़ा क्षेत्र में जीत का परचम लहरा सकते हैं। कामटी में 10 एकड़ जगह लेकर सरकार फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण करा रही है। पेरिस, जापान, अमेरिका जैसे देशों ने क्रीड़ा क्षेत्रों में जैसे प्रगति की है, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र ने प्रगति करना यह मिशन है। भारतीय कबड्डी खेल को महाराष्ट्र सरकार स्पॉन्सरशिप देने वाली है, ऐसा क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार ने प्रेस वार्तालाप में बातचीत की। दर्शकों नमस्कार, इस समय भी बीसीएम की टीम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ नागपुर के समारोह में जहां पे राज्य के क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार जी इस समय पर मौजूद है। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि खेल को लेकर आखिर उनकी किस प्रकार के कामकाज होने वाले हैं। सुनील जी, ये बताएं कि जिस प्रकार से आज ये जो क्रीड़ा का जो माहौल है, खिलाड़ियों का जो कामकाज जो चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? और जब से आप क्रीड़ा मंत्री बने हो, कितने बड़े चैलेंजेस आपके सामने में हैं? क्रीड़ा मंत्री बना तो सबसे बड़ा चैलेंज तो कोरोना ने मेरे आगे खड़ा कर दिया। मैं चाहता था कि क्रीड़ा मंत्री बनने के बाद काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करूंगा, यूथ वेलफेयर में बहुत लोगों को एक नया एक सीन खड़ा करूंगा, एक नया एटमॉस्फेयर खड़ा करूंगा, पर कोरोना का असर रुका पड़ा है। पर अभी थोड़ा कोरोना कंट्रोल में आया हुआ है और स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स एक्टिविटी के माध्यम से मैं नया जनरेशन, ये जीतने वाला मंशा रखने वाला नया जनरेशन खड़ा करने का मेरा मानस है जी, उस हिस्से पर मैं प्रयास कर रहा हूँ। सर, जहाँ साउनर की बात आती है, साउनर से भी बहुत ज़्यादा खिलाड़ी है, क्या वहाँ पे कोई स्टेडियम या कोई प्रावधान है, कोई बनाने की योजना है? साउनर में तालुका क्रीड़ा स्टेडियम का काम शुरू हो चुका है। 5 करोड़ रुपये के लागत से एक बहुत बड़ा स्टेडियम वहाँ पर हो रहा है। आज की तारीख में साउनर में बैडमिंटन का कोर्ट ठीक से चल रहा है पिछले 5 साल से, और स्केटिंग का भी रिंग वहाँ पर है, 2 बाकी वहाँ पे चल रहे हैं। सर, आखिरी का सवाल, खिलाड़ियों के जीवन संवर्धन के लिए क्या करना चाहोगे बतौर आप क्रीड़ा मंत्री हो? क्रीड़ा के जो 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 बच्चे इसमें स्पोर्ट्स में आते हैं, उनको उनका भविष्य स्पोर्ट्स के माध्यम से ही उज्जवल करने के लिए, उनका नया रोजगार के आलम दिलाने के लिए मैंने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वहाँ पर शुरुआत की है पूना में जी। उसके तहत बच्चों को रोजगार जरूर मिलेगा। बिल्कुल, तो आपसे सुनील केदार जिन्होंने बखूबी वैभव के साथ बात करते हुए बताया कि खिलाड़ी के जीवन समर्थन के हमेशा वे तत्पर रहेंगे, और जिस प्रकार से खिलाड़ी आसमां को छू रहा है और शहर से लेके जो आज भारत का परचम जो लहरा रहे, खिलाड़ियों के बदौलती हो रहा है, बशर्ते खिलाड़ियों को भी सभी सुविधा मुहैया सरकार की ओर से हो, यही शहर के खिलाड़ी चाहते हैं। संजय मीरे, बीसीएन न्यूज़, नागपुर।